हिंदुस्तान के प्रत्येक हिस्से में अनेक इमारतें और पर्यटन स्थल हैं जो सदियों से इतिहास की गाथाएं सुना रही हैं। यह इमारतें राजनीति, परिवार और धर्म संबंधी विषयों से जुड़े होने पर भी देशी और विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी रही हैं। ऐसी ही एक इमारत है ताजमहल, जो सदियों से एक अनमोल धरोहर के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। और इसे लेकर आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ताजमहल को किसने बनवाया था। दोस्तों, आज हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्काई फैक्ट में आपका स्वागत है। ताजमहल को पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु की यादगार के तौर पर बनवाया था। मुमताज महल की शादी मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र अल आजाद अब्दुल मुजफ्फर साहेब उद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जिन्हें बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया, 11 वर्ष की आयु में 1612 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज को बहुत चाहते थे और साथ ही उन्हें इमारतें बनवाने का शौक और ज्ञान भी था। मुमताज की जब शाहजहां की 14वीं संतान के जन्म के समय मृत्यु हो गई, तब उन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए एक बेजोड़ मकबरे का निर्माण का निर्णय लिया। ताजमहल के रूप में शाहजहां अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद को हमेशा जिंदा रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सारी दुनिया से बेजोड़ पत्थर और कारीगर बुलवाकर इस आलीशान मकबरे का निर्माण करवाए थे। ताजमहल का निर्माण होने के बाद इसमें मुमताज महल की कब्र, जो पहले कहीं और बनी थी, उसे यहाँ बना दी गई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में आपको रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने को मिलेंगे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए स्काई फैक्ट के साथ।